नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज़ और मैं अनुष्का सिन्हा। बिहार के प्राइवेट स्कूलों के 1,00,000 संचालकों और शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर एक वर्ष की आर्थिक सहायता की मांग की है। स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की आज बिहार के सभी 38 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री के समक्ष 1,00,000 लेटर भेजने की घोषणा की गई है। बिहार के सभी हमारे एसोसिएशन से जुड़े 25,000 प्राइवेट स्कूल्स और उनके यहाँ पढ़ा रहे टीचर्स सभी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि एक वर्ष के लिए पैकेज हम लोगों को दिया जाए, क्योंकि बिहार सरकार ने और देश के भारत सरकार ने सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ पैकेज की घोषणा की है और सभी लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश की है। लेकिन बिहार के 25,000 जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनके वजह से बिहार की शिक्षा है और आज बिहार का नाम जो हिंदुस्तान के मानचित्र पे नंबर 1 पे है और लोग जानते हैं कि बिहार की शिक्षा क्यों है, चाहे वो सरकार के पदाधिकारी हों, पॉलिटिशियंस हों, हमारे मीडिया के साथी हों, बिजनेस क्लास के लोग हैं, सभी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, इसलिए कि यहाँ की पढ़ाई जो है, क्वालिटी एजुकेशन जो हम देते हैं उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। और चाहे वो बड़े वर्ग के लोग हों, मीडियम वर्ग के लोग हों या वो गरीब तबके के लोग हैं, सब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। मार्च से लगातार अभी जुलाई तक सारे स्कूलों में कोई फीस नहीं आ रही है, सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आ रहा है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश आ रहा है, जिसके वजह से पेरेंट्स भ्रमित हैं और कहीं भी फीस नहीं आ रही है, जिसके वजह से हमारे प्राइवेट स्कूलों में लाखों लाख टीचर और उससे जुड़े हुए 10,00,000 से ज़्यादा कर्मी अब भूख के कागार पे आ चुके हैं। आज अगर कोई दुर्घटना होती है बिहार में, अगर लोग सुसाइड करते हैं, भूख से मरते हैं, तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पे जाती है। आज प्राइवेट स्कूल से जुड़े सभी हमारे जितने स्कूल्स के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स ने गुहार लगाई है और 1,00,000 से ज़्यादा पत्र मुख्यमंत्री के कार्यालय में आज से लेके 10 जुलाई तक पहुँचने का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री काफ़ी बिहार के लिए अच्छा काम किए हैं, कर रहे हैं और हमारे इस रिक्वेस्ट को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। और जिस तरह से प्राइवेट स्कूल की माली हालत ख़राब हो गई है, सारे स्कूल्स अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, ख़ास करके जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो चरमरा गया है, लाखों हमारे ड्राइवर और खलासी बेरोज़गार हो गए हैं, लाखों टीचर्स हमारे बेरोज़गार हो गए हैं। आने वाले दिनों में ये 10,00,000 से ज़्यादा परिवार जो बेरोज़गार हो जाएगा, सड़कों पे आ जाएगा, इसको मुख्यमंत्री को देखना है। आज स्कूलों के अंदर में जो हमारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लगातार पूरे मेहनत कर करके उन बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं आ रहा है, पेरेंट्स की तरफ से कोई फ़ीस नहीं आ रही है। आज हमारे स्कूलों के कैंपस में हज़ारों हज़ार बसें खड़ी हैं, उसका टैक्स देना पड़ रहा है, उसका सारा जो एक्सपेंडिचर है, EMI है, बैंक्स का लोन देना पड़ रहा है, इन सबों के लिए हमने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सारे टैक्स को माफ़ करें, हमारे ट्रांसपोर्ट के सारे जो हमारे जो EMI है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको वो माफ़ करें, और जो हमारे स्कूल्स की जो डिफरेंट जो टैक्सेस है उनको माफ़ करें, और साथ ही साथ एक साल के लिए हमें पैकेज दें। और मैंने एक बहुत बड़ा बढ़िया सॉल्यूशन दिया है मुख्यमंत्री को कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों को टीचर को आप सैलरी दे रहे हैं, और हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं लेकिन हम प्राइवेट स्कूल को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो सरकार से आग्रह है कि जो भी सरकारी स्कूलों में एक बच्चे पे जो महीने में खर्च आता है वही आप हमारे प्राइवेट स्कूलों को दें, ताकि हम उन पैसों से अपने टीचर्स को और अपने बिल्डिंग्स का, अपने ट्रांसपोर्ट का हम उसको मैनेज कर सकें। और हम पढ़ा रहे हैं तो मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, और बिहार सरकार के स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है तो वहाँ के टीचरों को तनख्वाह मिल रहा है, तो ये तो बहुत अन्याय हो जाएगा इस प्रदेश के लिए, यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के बिना आज बिहार की एजुकेशन सिस्टम को आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज मैं आप सभी मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि आज आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत इसलिए है कि आपके भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं,
मिडिल क्लास के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, गरीब गुरबा के भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और बड़े हमारे जो बड़े लोग हैं उनके भी बच्चे पढ़ते हैं। और उन बच्चों को पढ़ाने वाले हमारे स्कूल के टीचर आज भूखे हैं। कितने अफसोस की बात है, आज स्कूल के जितने हमारे 25,000 स्कूल के संचालक हैं उनकी परेशानियाँ यही हैं कि वो अपने टीचरों को कैसे पेट पाल सके उनका। इसीलिए आज बिहार के सभी प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े 25,000 स्कूल के संचालक, उनके टीचर्स आज मुख्यमंत्री के समक्ष जो अपनी बातें रखी हैं इस लेटर के माध्यम से, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री हमारे लेटर को पढ़ने के बाद ज़रूर कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। और उनसे आग्रह है कि एक ठोस निर्णय लें, एक ठोस प्रशासन के माध्यम से आदेश निर्गत करें बिहार के पेरेंट्स को कि आप स्कूल के साथ खड़े हों, स्कूल की बातों को माने, और स्कूल आपके बच्चे के भविष्य के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए स्कूल के खिलाफ ना जाएं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने इसको लेकर सरकार को पत्र लिखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्माइल अहमद ने सरकार को आग्रह किया है कि शिक्षकों के ट्रांसपोर्ट पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्स को माफ़ किया जाए और EMI पर लगने वाले ब्याज को नहीं लिया जाए। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।